अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश उससे आगे बढ़े, वो यही चाहता है कि दुनिया का हर देश उसके सामने झुके। लेकिन भारत तो भारत है, आंख में आंख डालकर बात करना जानता है, लेकिन अमेरिका को इस बात का अंदाजा अभी भी नहीं है, इसीलिए उसने भारत के खिलाफ उठाया है बड़ा कदम। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत को बढ़ते देख अमेरिका परेशान है, और क्या अमेरिका को रोकने के लिए भारत उठाएगा कोई मजबूत कदम? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने ईरान के खिलाफ कड़ी सख्ती दिखाते हुए उसके साथ कारोबार कर रहे भारत समेत अन्य देशों को भी संदेश दिया है। अमेरिका ने ईरान के हजारों करोड़ों के पेट्रोकेमिकल और पेट्रोल केमिकल को साउथ और ईस्ट एशिया में बेचने वाली कंपनियों के इंटरनेशनल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों में एक भारतीय कंपनी भी शामिल है। भारत में ईरान के तेल की बिक्री को लेकर अमेरिका ने पहली बार ऐसा कदम उठाया। यूक्रेन से युद्ध के बीच भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर भी अमेरिका कई बार नाराजगी जाहिर कर चुका है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओर से बताया गया है कि इस एक्शन के जरिए उन ईरानी दलालों, यूएई, हांगकांग और भारत की कुछ कंपनियों को निशाना बनाया गया है जो ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की सप्लाई और वित्तीय लेन देन के तरीकों को आसान कर रहे थे। लेकिन अमेरिका का कहना है कि जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, इन्होंने न सिर्फ ईरानी शिपमेंट के सोर्स को छुपाने की कोशिश की, बल्कि दो प्रतिबंधित ईरानी दलाली कंपनी ट्रिलियंस पेट्रोकेमिकल और पर्सन गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री केमिकल को इंडिया में खरीदारों के लिए फिर से सक्रिय करने में अहम किरदार निभाया है। ट्रेजरी फॉर टेररिज्म एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अंडर सेक्रेटरी ब्रायन ई नेल्सन ने इस बारे में कहा कि ईरान के अवैध तेल और पेट्रोकेमिकल बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, और अमेरिका ये प्रतिबंध उस समय तक जारी रखेगा जब तक ईरान परमाणु करार को लागू करने के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। जैसे ईरान परमाणु करार का उल्लंघन करते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहेगा, ऐसे में हम भी ईरान के ऊपर तेल और पेट्रोकेमिकल बेचने के लिए प्रतिबंधों को जारी रखेंगे। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल के निर्यात पर कठोर प्रतिबंधों के एक्शन के साथ अमेरिका की ओर से ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे में अगर कोई भी इस मामले में ईरान का साथ देता है तो उस पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी। अमेरिका की ओर से जिन कंपनियों पर बैन लगाया गया है उनमें भारत की तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। भारत की ये कंपनी ट्रिलियंस नाम की कंपनी के जरिए हजारों करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट खरीदती है और उन्हें आगे चीन भेज देती है। ट्रिलियंस एक ब्रोकर कंपनी है जो ईरानी वस्तुओं को बेचने के लिए अन्य देशों की कंपनियों से डील करती है। खैर, अब देखना यह रोमांचक है कि भारत ईरान के साथ दोस्ती को लेकर आगे क्या कुछ करेगा और अमेरिका को लेकर भारत किस तरह से बड़ा एक्शन लेगा। जय हिंद।